प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि कंपनी में किस तरीके से अकाउंट्स बनाने होंगे और साथ में मैन्युअली ये भी जाना था कि जर्नल एंट्री क्या होगी। अब जर्नल एंट्री अगर हम लोगों को करनी है तो उस कंडीशन में टैली के लिए हमारे पास एक कंपनी होनी चाहिए। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंपनी क्रिएशन करना सीख लिया था, आज उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि कंपनी हमारी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अगर कंपनी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है तब अगर हमें ट्रांजैक्शन करना हो तो हम लोग किस तरीके से ट्रांजैक्शन को करेंगे। तो अब ऐसे के लिए हम जो ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, मैं स्क्रीन पे यहाँ लिखता हूँ, ट्रांजैक्शन हमारा है फर्नीचर परचेज्ड। हमने फर्नीचर परचेज किया, 10,000 का फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया और बेटा वो भी क्रेडिट में किया। तो 10,000 का फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, आपने मिस्टर एक्स से परचेज किया। सपोज करिए कि ये आपका एक ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन को टैली में कैसे हमें एंट्री करनी होगी और क्या-क्या आइटम अकाउंट्स लेजर जरूरी होंगे। तो पहली बात, अगर एंट्री करनी है इसकी, इस ट्रांजैक्शन की अगर आपने एंट्री करनी है तो नंबर वन थिंग, इसका ऑलरेडी लेजर बना होना चाहिए। ऑलरेडी आपका जो है यहाँ पर एक लेजर बना होना चाहिए और ये जो लेजर बनेगा ये होना चाहिए किसके अंडर में, ग्रुप के अंडर में। अब मैन्युअली पहले जर्नल एंट्री होती है फिर लेजर होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप इसकी जो एंट्री करोगे वो बेटा लेजर में करोगे और लेजर के बाद ही ग्रुप को चेक किया जाएगा, फिर आप एंट्री को पास करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है ये एक एम्स लिमिटेड कंपनी है। हमें अगर वर्क करना है तो हमारे पास कोई एक कंपनी ऑलरेडी जो होती है उसमें करें या हम क्रिएट कर दें। तो आप लोगों के लिए डायरेक्टली यहाँ पर एक कंपनी हम लोग और भी क्रिएट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा इसी ट्रांजैक्शन में। कंपनी क्रिएशन में स्क्रीन पर आप F3 पर जाएंगे जहाँ कंपनी इंफॉर्मेशन दे रखा है, इस कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। आप हैंड का कर्सर देख रहे हैं, इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्क्रीन बन के आ रही है गेटवे ऑफ टैली। इस गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट कंपनी दिखाई दे रहा है। ये क्रिएट कंपनी ऊपर से 1, 2, 3, 4 नंबर पे है। इस क्रिएट कंपनी पर जाकर के आपको अपनी कंपनी को क्रिएट करना होता है। जाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पर आए, फिर से देखिए हैंड बन रहा है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। मैं सिर्फ माउस के थ्रू ही काम कर रहा हूँ, क्लिक करने पर ऐसी स्क्रीन आपके सामने बंद करके आई। यहाँ पर हम उस कंपनी को लेते हैं जो हमें क्रिएट करनी है। आप में से कोई स्टूडेंट कंपनी नेम बताएगा, जल्दी बताएं। किस कंपनी के नेम को क्रिएट करना है, कौन सी कंपनी? सर मुस्कान लिमिटेड। मुस्कान, तो यहाँ पर हम मुस्कान लिमिटेड ले लेते हैं। मुस्कान लिमिटेड, और मुस्कान लिमिटेड होने के बाद में सिर्फ एंटर करते जाना है। मैं एक बार एंटर करूंगा तो ब्लैक वाला कर्सर देखिए हट जाएगा। एंटर किया, मेलिंग एड्रेस पे आ गए। मेलिंग एड्रेस क्योंकि मुस्कान लिमिटेड के नेम से है, नेम मुस्कान लिमिटेड आ जाएगा। आफ्टर देन फिर एक एंटर करते हैं एड्रेस, कोई भी यहाँ एड्रेस ले लेते हैं। अगर दो तीन तरीके से एड्रेस है तो ये इस तरीके से एड्रेस आपका आ जाएगा। एड्रेस के बाद हर नीचे लाइन पर लाने के लिए आपको एंटर करते जाना है। एंटर करने के साथ में हमारा एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद में स्टेचुरी कंप्लाइंसेज हम इंडिया के लिए करेंगे, इंडिया में हम किस स्टेट पर हैं, फिर एंटर करिए तो स्टेट आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राइट हैंड पर देखिए जहाँ पर कर्सर आ रहा है इस जगह पर आपका स्टेट आएगा। इतनी आपके पास स्टेट अभी दे रखे हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं,
हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है जो इस पे नहीं दिख रहा। तो सेवन मोर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवन मोर, इसका मतलब है कि अभी इसके नीचे और भी हैं तो हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं जा करके। ऐसी हालत पे क्या करना चाहिए, जब मोर हमारे पास है, एरो की से बेटा नीचे आते जाओ, एरो की से, देखिए मैं नीचे आ रहा हूँ, एरो की से नीचे आने पर क्या आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है? तो हम इस उत्तर प्रदेश को, इसी उत्तर प्रदेश को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या करें, पहुंचे और हम एंटर को फिर से, कीबोर्ड में एंटर होता है उसको क्लिक कर दें, उत्तर प्रदेश अपने आप आ जाएगा। देखिए एंटर किया उत्तर प्रदेश, इसका जो भी कोड हो, पिन कोड, वो पिन कोड नंबर आप डाल दें, रॉन्ग है यह ऐसे ही लिया गया, टेलीफोन नंबर। हर बार नीचे आने के लिए आपको सिर्फ एंटर दबाते जाना है, ईमेल एड्रेस पूछेगा, करेंसी क्योंकि इंडिया की थी तो रुपीज है, अकाउंट विद इन्वेंट्री में आते ही दो ऑप्शन पूछता है कि अकाउंट्स ओनली चाहिए या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो हमें खाली अकाउंट्स ओनली पर सीखना था तो अकाउंट्स ले लिया। फाइनेंशियल ईयर बाय डिफॉल्ट 21 पे सेट है, तो ईयर हमारा 1 अप्रैल 21, आफ्टर देन सिक्योरिटी कंट्रोल को नहीं छेड़ रहा है। नीचे लाने के लिए बस कुछ नहीं करिएगा, सिर्फ एंटर 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 दबाते हुए चले जाएंगे। लास्ट में पूछ लेगा क्या इसको एक्सेप्ट कर लें, आपकी कंपनी अगर रेडी है तो एक्सेप्ट करने के लिए इसको आप यस कर दीजिए। अब आपकी कंपनी जो है मुस्कान लिमिटेड रेडी हो गई। अब मुस्कान लिमिटेड रेडी हो गई तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट स्क्रीन है उसमें देखिए मुस्कान लिमिटेड रेडी हो गई, बन गई। अब इसी में ही हमको एंट्री कर लेनी है। अब मुस्कान लिमिटेड में अगर हम लोगों को एंट्री करनी है तो मुस्कान लिमिटेड ओपन होनी चाहिए। नेम ऑफ कंपनी में देखिए मुस्कान लिमिटेड ओपन है। नो वाउचर एंटर्ड का मतलब है अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई भी एंट्री नहीं करी है, वही एंट्री हम लोगों को इस समय यहाँ पर करनी है। एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले बताया था कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन जा करके लेजर क्रिएट करना। ध्यान रखिएगा अपने मन में कि हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000। जब हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दो लेजर की जरूरत है। एक लेजर होगा हमारा फर्नीचर, एक लेजर हम फर्नीचर करेंगे, और दूसरा हमने इसको परचेज किया है एक्स से तो हमें एक्स का अकाउंट बनाना होगा। ये दो लेजर की रिक्वायरमेंट हमारे पास है, हम इन दो लेजर को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे सर तो क्या हम लोग लेजर बनाना सीखने जा रहे हैं? यस, अब हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, टू लेजर करेंगे, एक फर्नीचर का करेंगे और एक हम लोग एक्स का लेजर करेंगे क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन्स करने हैं। कहाँ से सर करेंगे? इसके लिए अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। आप देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे कर्सर दिख रहा है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक पहुंच करके सेलेक्ट करके एंटर कर दें। इस कंडीशन में ग्रुप दे रखा है, लेजर दे रखा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ग्रुप जो है वो क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। तो ग्रुप कौन कौन से हैं फिर से दिखा देता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एंटर करिए, गेटवे खुलेगा, गेटवे के अंदर ग्रुप और लेजर होंगे। फिर पहले एक बार ग्रुप में जाकर देख लें कि क्या आपके पास ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, उस पे एंटर करेंगे तो सिंगल और डिस्प्ले दिखाई देगा। डिस्प्ले से ऑटोमेटिकली जितने भी बने हुए ग्रुप हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बने हुए ग्रुप दिख रहे हैं। सर इसका हम क्या करेंगे? हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि हमको दो अकाउंट बनाने हैं, एक हमें अकाउंट लेजर बनाना फर्नीचर का और एक हमको लेजर बनाना है एक्स का। तो बेटा फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में आता है, तो जल्दी से देखो क्या ये बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड एसेट्स है। तो आप ये देखेंगे कि हाँ सर फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमारा हेडेक खत्म। आफ्टर देन आपने क्रेडिट ने परचेज किया है मिस्टर एक्स से, तो जैसे ही मिस्टर एक्स से क्रेडिट ने परचेज किया तो इसका मतलब है कि इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? डेटर की। तो क्या हमारे पास डेटर हैं? कभी कभी बेटा डेटर्स नहीं होते तो उसके लिए सन्डरी डेटर्स क्वेश्चन में गिवन होता है।
तो हम लोगों को देख लेना है क्या डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स हैं, फर्नीचर तो क्लियर हो ही गया। सर कैसे देखेंगे इसको? देखो नीचे 7 मोर दे रखा है, तो लास्ट वाले को जाकर क्लिक करो और एरो से नीचे बढ़ते जाओ। जब नीचे बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर आप देखिए हाईलाइटेड में सन्ड्री डेटर्स आपको बना हुआ दिख रहा है। तो हमारा काम बन गया कि हमारे पास सन्ड्री डेटर्स हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स, दो चीजें आ गई। अभी अभी यहाँ बात हुई थी कि हमने परचेस किया है, तो बेटा जब परचेस करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स की जरूरत होगी, और अगर हम फर्नीचर को सेल करते हैं तो हमको सन्ड्री डेटर्स की जरूरत होगी, दोनों ही है। तो पहले हम परचेस पे करेंगे, फिर हम उसी को सेल पे कर लेंगे। तो जब सेल करेंगे तो वाई को कर देते हैं, एक्स से अभी हम परचेस कर रहे हैं। कहने का मतलब ग्रुप में हमने चेक कर लिया, हमारा काम आसान हो गया। किसी स्टूडेंट को ग्रुप को चेक करने को लेकर कोई डाउट लग रहा है बताइए। नो सर। जब ग्रुप पे हमने चेक कर लिया, ग्रुप हो गया, तो फिर से दिखा दूं, यही स्क्रीन आपका खुलेगा। अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर अकाउंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसके अंदर में ग्रुप में हम चेक कर चुके हैं, अब हम लेजर पे जाएंगे, और लेजर पे जाते ही हम एंटर कर देंगे। एंटर करने पर अब हमें दो लेजर बनाने हैं। कौन से दो लेजर बनाने हैं? उसके लिए क्रिएट दिख रहा है, क्रिएट पर जाइए, क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। क्रिएट में आप अंदर आ गए, हमें दो लेजर बनाने हैं। जल्दी से बताइए कौन से दो लेजर बनाने हैं। फर्स्ट लेजर कौन सा होगा? परचेज। परचेज नहीं बेटा, फर्नीचर एसेट्स ले रहे हो, एसेट्स हमेशा नेम से होती है, क्लियर? यस सर। फर्नीचर। तो फर्नीचर लेंगे सर। यस सर। तो एक हमारा फर्नीचर अकाउंट होगा, उसका नेम आ गया फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर के बाद एलाइज ने पूछता है कोई और किसी नेम से आप इसको और बनाना चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप इस फर्नीचर को कोई कोड देना चाहते हो 123, तो आप कोड भी दे सकते हो। मान लो कई तरीके के आपके फर्नीचर हैं तो उसमें कोडिंग भी चलती है, तो कोड से भी आप एंट्री कर सकते हो। ये तो हो गया फर्नीचर। आफ्टर देन इसके बाद ये पूछेगा अंडर, ध्यान देना पहले नंबर पे फर्नीचर है, अभी हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं ग्रुप के अंडर में। फर्नीचर पूछेगा अंडर, अंडर मतलब किस ग्रुप के अंडर? तो ग्रुप हम लोग ऑलरेडी पहले, हाँ फिक्स एसेट्स। तो ये देखिए सेलेक्ट करके फिक्स एसेट्स में एरो से आ गया, और राइट हैंड पर फिक्स एसेट्स पे देखिए हाईलाइट होता दिख रहा है, वहां पहुंच करके आप एंटर मार दोगे तो देखो कैपिटल की जगह फिक्स एसेट्स आपका आ जाएगा। ये देखिए जहाँ कैपिटल लिखा था वहां पर अब फिक्स एसेट्स आ गया। कहीं कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होगी मैं समझता हूँ। आफ्टर देन एंटर करेंगे, तो एंटर करते ही एंटर करते आपका कर्सर यहाँ सबसे नीचे आ जाएगा, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस आपसे पूछता है। ओपनिंग बैलेंस इसलिए कि हो सकता है प्रीवियस ईयर से बिजनेस रन होकर के आगे बढ़ रहा हो, तो आपसे ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर वाला मेंशन करिए। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास 1 लाख के फर्नीचर थे, तो अगर 1 लाख के फर्नीचर थे तो यहाँ पर आपको 1 लाख मेंशन करना पड़ेगा। अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ हमने माना ही नहीं था कुछ है। तो हमारा ये लेजर क्रिएट हो गया फर्नीचर का। जैसे ही क्रिएट होगा तो वो पूछेगा एक्सेप्ट, यस और नो। सर ये यस और नो क्यों पूछ रहा है बेटा? इसलिए कि हो सकता है कि तुम फर्नीचर की स्पेलिंग गलत कर दिए हो, या हो सकता है कोई दूसरा अकाउंट कर दो, रेक्टिफाई करना हो तो नो दबा दो। तो नो होने के बाद में तुम दोबारा इसको ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने सब सही किया है तो यस कर दीजिए। यस मतलब वाई, वाई करेंगे, फर्नीचर का आपका लेजर एक बन गया। ओके, तो आपने फर्नीचर का एक लेजर बना दिया। दूसरा लेजर हम लोग करने जा रहे हैं एक्स का, क्योंकि हमने एक्स से परचेस किया है, तो हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं। नेम हो गया एक्स, एक्स से हम लोग परचेज ले रहे हैं। ये एक्स बेटा हमारा एक क्रेडिटर है, क्योंकि हम एक्स से परचेस कर रहे हैं। कोई दूसरा कोड देना चाहते हो एंटर दबाओ, कोड में नाम आ जाएगा इसका। मान लो कोई कंपनी या किसी और निक नेम से तुम जानते हो, उस नाम को डाल दो। जैसे कि मान लो वो तो एक्स लिमिटेड था जिससे तुमने परचेस किया है, जिससे तुमने परचेस किया है वो मान लो कि वो तुम्हारा है एक्स लिमिटेड। तो इस एक्स लिमिटेड को, ये जो एक्स लिमिटेड है, इस एक्स लिमिटेड को तुम किसी और नाम से भी जानते हो अपनी याददाश्त के लिए,
तो अगर किसी और नाम से जानते हो तो एंटर करके अलाइज में तुम डाल दो। जैसे कि मान लो तुम पप्पू भैया के नाम से जानते हो तो तुम इसको पप्पू भैया कर लो। अब कभी भी होगा, ऐसा होता नहीं, मगर अपनी याददाश्त के लिए आपको याद रहे। देन एंटर करिए अंडर एक्स लिमिटेड से आपने परचेज किया है तो ये आपके लिए क्या हुए, क्रेडिटर हुए। राइट हैंड साइड जो पॉप स्क्रीन हुई है उस पॉपअप स्क्रीन पे देखो, मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स को कलेक्ट कर लिया और संडे क्रेडिटर्स पे जाके जैसे ही सेलेक्ट किया तो हाईलाइट हो गया। इसको एंटर मारोगे, ध्यान से फिर से देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो जो पुराना वाला आपने सेलेक्ट किया था फिक्स एसेट्स वो दिखाई देगा, मगर अब हमको चाहिए क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जैसे ही आप सन्ड्री क्रेडिटर्स को सेलेक्ट करके एंट्री मारोगे तो बेटा ये जो फिक्स एसेट्स है ये ऑटोमेटिकली बदल करके सन्ड्री क्रेडिटर्स में चला जाएगा। कैसे जाएगा इसको देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हम लोग आ गए, इस पर आप एंटर मार दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर एंटर करेंगे ये सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएगा। देखो आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स अंडर करंट लायबिलिटीज। यस सर। अब जब क्रेडिटर्स के साथ डील करोगे तो ये तुमसे बिल वाइज मेंटेनेंस भी मांगता है, तो बिल वाइज मेंटेनेंस को छेड़छाड़ नहीं करना, उसको यस ही रहने देना और एंटर मार मार के नीचे बढ़ते रहना। इसके बाद ये क्रेडिटर का एड्रेस पूछेगा, जो तुम्हारा पप्पू भैया का एड्रेस हो वो डाल देना, किस स्टेट के पप्पू भैया है। मान लो दिल्ली के हैं तो तुमने दिल्ली डाल दिया पप्पू भैया को, उनका पिन कोड डाल दोगे, टैक्स और पैन के नंबर। अब सेल टैक्स की जगह जो काम चलेगा उस काम को अब आप लिखेंगे जीएसटी, तो जीएसटी वगैरह लिखना चाहें तो आप ले सकते हैं, मगर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर ओपनिंग बैलेंस इसलिए कि मान लो पिछले साल से तुम्हारा ये चल रहा हो, तो अगर पिछले साल से चल रहा है तो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को भी डालेंगे। बहरहाल ओपनिंग बैलेंस नहीं, एंटर मारा तो ये हमारा यस हो गया और नो, और यस और नो में अब आपको जरूरत है यस और नो में कि अगर सही है तो यस कर दीजिए, कोई डाउट है नो कर दीजिए। हम मान लेते हैं कि यस है और एंटर यस कर देते हैं, कर दें यस। जैसे ही यस करेंगे ये कंपनी क्रिएट, आपका ये लेजर क्रिएट हो गया। अब आपके दो लेजर क्रिएट हो गए, आपने दो लेजर क्रिएट कर लिए, इससे बाहर निकलना है क्योंकि हमें देखना है कि लेजर क्रिएट है कि नहीं। एस्केप को लेंगे कीबोर्ड में, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड पे एस्केप होता है, उसको दबा देंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। किसी भी स्क्रीन से टैली में बाहर निकलना हो तो एस्केप से आप बाहर निकल सकते हैं। एस्केप से आप बाहर निकले, लेजर आ गया, जरा हमने क्रिएट किया था उसको हम चेक करना चाहते हैं। सर ये बताइए कि जो हमने बनाया था क्या वो हमें दिखेंगे? हाँ बेटा दिखेंगे, उसी के लिए यहाँ डिस्प्ले है। तो आप डिस्प्ले पे अगर जाते हैं तो आपको आपके बने हुए लेजर दिखेंगे, इस पे पहुंच के एंटर मार दीजिए। जैसे ही एंटर मारेंगे देखिए अब आपको आपका बना हुआ लेजर दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है और पप्पू भैया दिख रहा है, हाँ या नहीं? यस सर। यहाँ से करेक्शन भी कर सकते हैं। हाँ एडिट भी कर सकते हैं, अभी आगे अल्टर वाला है। तो अब इस जगह पर देखो पप्पू भैया और एक्स लिमिटेड दोनों, इसलिए क्योंकि आपने क्या किया था, आपने पप्पू भैया को एक्स लिमिटेड को एक ही नाम से रखा था, इसलिए इसने दो बार दिखाया। कहीं कोई दिक्कत? और तो और जब आप आगे की बात काम कर रहे थे कि फर्नीचर, तो फर्नीचर को कोड वर्ड से डाला था तो इसलिए फर्नीचर का देखो 1023 आ रहा है। अभी अभी आप लोगों के मन में एक बहुत तेजी से बात आएगी, क्या बात आएगी? सर हमने कैश तो बनाया ही नहीं, सर हमने पीएनएल तो बनाया ही नहीं। तो आप कैश और पीएनएल को कभी नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते बेटा? ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस आपको बना करके मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि इतना आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जो लिस्ट आपने दिखाई थी हाँ। उसमें जो ग्रुप थे उसमें से कोई ग्रुप हमें ऐसा जो उनको रिक्वायरमेंट है वो ग्रुप है नहीं, तो सर उस ग्रुप को क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ उसको फिर से ग्रुप तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। अभी अगली क्लास में वो भी करेंगे कि और अगर ग्रुप क्रिएट करने हैं तो हम कैसे करेंगे। आफ्टर देन अभी बात आया सर क्या हम कोई नाम चेंज कर सकते हैं, तो नाम चेंज करने के लिए देखो इसमें अल्टर दे रखा है, अल्टर पे गए, अल्टर पे आपने एंट्री कर दी, अल्टर पे एंट्री करने पर आपको इतने दिख रहे हैं तो आपको लगा कि सर पप्पू भैया ठीक नहीं लग रहा है, पप्पू भैया को हम पप्पू भाई करना चाहते हैं,
तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में पप्पू भैया के ऊपर आइए और पप्पू भैया पर हम इसको चेंज करके पप्पू भाई करना चाहते हैं। अब हमने इसको पप्पू भाई कर दिया। अब ये आपका यहाँ से ऑल्टर हो करके सारा चेंज हो गया। इसको यस कर दीजिएगा, मामला आपका ओके। तो देखो स्क्रीन पे पप्पू भाई लिख कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ये इस तरह ऑल्टर का यूज होता है। तो आज हम लोगों ने सीख लिया कि लेजर को हम कैसे क्रिएट कर लेते हैं और किस तरह हम ग्रुप के अंडर में चलते हैं। जब हमारे पास लेजर ग्रुप के अंदर क्रिएट हो जाएंगे, हम एस्केप दबाकर ऐसे फिर से बाहर आ जाएंगे। सर ये बाहर आने को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? इस बाहर आने को हम बेटा गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। देखिए मैंने उसको सर्किल में कर दिया है, गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा होगा आपको। यस सर। तो ये गेटवे ऑफ टैली जो है उसकी बात हो गई। अब गेटवे ऑफ टैली में सर आपने कहा था हम एंट्री करेंगे, तो सुनो देखो एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री तुम्हारी ट्रांजैक्शन से होगी। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप इसकी एंट्री करेंगे पहला तो यहाँ से लेजर बन जाएगा ग्रुप के अंदर में, और दूसरा जब एंट्री करनी है तो ये आप वाउचर में जाकर एंट्री करेंगे। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब हम लोग एंट्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एंट्री के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। इस पे कोई, मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा बच्चों? No, sir. तो अकाउंटिंग वाउचर पे गए, क्लिक किया, सर हमें इसके अंदर जाना है, चाहे तो डबल क्लिक करो, एंटर मारो। तुमने जैसे ही इसको एंटर किया तो तुम्हारे सामने अब ये स्क्रीन खुल के आएगी जिसमें लाइन से लिखा हुआ है पेमेंट है, क्या क्या चीजें हैं। इसके लिए आप जरा थोड़ा ध्यान से देखिए कि इधर राइट हैंड पर देखिए आपके पास पूरे की जो फंक्शन की है उसके बारे में लिखा हुआ है। फंक्शन की जैसे F2 है, ये डेट के लिए है, कंपनी पे जाना है तो F3 है, कॉन्ट्रा पे जाना है, रिसिप्ट पे जाना है, जर्नल पे जाना है, परचेस के ऊपर जाना है। तो बेटा अभी अभी जो हम लोगों ने काम किया, हमने बेटा क्या काम किया, हमने फर्नीचर परचेस करा। अगर मैं आपसे इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो आप मुझसे यही कहोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2x, ये सर जर्नल एंट्री हो गई और ये 10,000 रुपए की थी। तो इस तरीके से हम इस पे 10,000 मेंशन कर देंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये एंट्री सबको समझ में आ गई है कि ये जर्नल एंट्री है। अब बेटा इस जर्नल एंट्री को अगर हमको करना है तो देखो क्या ये कॉन्ट्रा है? कॉन्ट्रा का मतलब है जिसमें बैंक में कैश आए और कैश जाए। क्या ये रिसिप्ट है? रिसिप्ट का मतलब जिसमें कैश आए। क्या यहाँ पर ये नॉर्मल सेल परचेज है? नहीं, ये एसेट्स है तो ये सेल परचेज में नहीं दे रखा। तो सर खाली कौन सा बचता है? F7 बचता है, जर्नल। तो सर हम इस F7 जर्नल पर किस तरीके से जाएं? तो जा करके चाहे तो यहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, यहाँ से क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड में F7 है उसको पुश कर दीजिए। तो मैं कीबोर्ड में F7 को पुश कर देता हूँ। तो अगर मैं कि इस पे जा करके पुश करूंगा तो भी एंटर हो करके चीजें आ जाएंगी, या फिर कर्सर से तो आपके सामने F7 आ गया। क्या काम करना है आपको? इसमें परचेज करना है। बेटा क्या परचेज करना है? फर्नीचर परचेज करना है। तो यहां से फर्नीचर को आपने चूज किया। सर 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 जर्नल में तो आपने बाई नहीं लिखा था? हाँ बेटा यही चीज सीखनी है आपको। क्या सीखना है समझिए, जर्नल में डेबिट के केस में आप बाय नहीं लगाते। जब डेबिट का केस होता है तो वहां बाय नहीं लगाते, मगर जब आप वाउचर में जगह एंट्री कर रहे होते हो तो आपको बाय मेंशन करना होता है। इसका मतलब डेबिट है। डेबिट के लिए पहली लाइन में क्या लगाएंगे? बाय। क्या लगाएंगे? बाय। जर्नल एंट्री में मैनुअल कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। आफ्टर देन कितने रुपए का था उसकी बात कर लें। फर्नीचर सेलेक्ट किया, 10,000 का था तो हम लोग 10,000 का था ना बेटा, तो हम यहाँ पर 10,000 ले लेते हैं डेबिट। तो देख लो डेबिट में 10,000 हो गया। आफ्टर देन एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर ये मल्टीपल डेबिट की एंट्री हो रही होती, मतलब एक साथ हम फर्नीचर मशीनरी बहुत चीज परचेस कर रहे होते तो बाय फर्नीचर बाय मशीनरी हम इन सबको लिखते रहते, मगर हमने सिर्फ जो एग्जांपल लिया था वो मशीनरी परचेस का लिया था। तो सिर्फ हम डेबिट मशीनरी लिखेंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे।
सर क्रेडिट कैसे होगा? बेटा क्रेडिट में वही बेसिक रूल लगेगा, टू वाला। तो देखो मैंने स्क्रीन पर अब बाई को टू में बदल दिया कि नहीं बदल दिया, बस टाइप कर दिया बाई की जगह। और टू में अब हम क्या लेकर के आ जाएंगे, टू में अब हम लेकर के आ जाएंगे एक्स लिमिटेड, क्योंकि हमने एक्स लिमिटेड से परचेज किया था। ये जितनी एंट्री बनी आपको जर्नल में दिख रही है, यही तो जर्नल एंट्री आप मैनुअल करते थे। तो जो मैनुअल आप जर्नल एंट्री करते थे उसमें सिर्फ क्या नहीं होता था, उसमें बाई नहीं होता था। तो एंट्री आप लिखते थे फर्नीचर टू एक्स लिमिटेड। अगर मैं फिर से उस एंट्री को लिखकर बताऊं, फर्नीचर टू एक्स लिमिटेड, आप ऐसे ही तो एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री में। और तो और खासियत एक बात यह भी है कि आप थोड़ा सा गैप टू के लिए छोड़ देते हैं, मगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इस तरीके का टू का कोई गैप नहीं छोड़ा जाएगा। टू बाई के साथ एक साथ लग करके आएगा, जैसे कि यहाँ लेफ्ट हैंड पे देखो टू और बाई दोनों एक ही साथ हैं, इसमें किसी भी तरीके का कोई गैप छोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर जब एंट्री हो गई फिर एंटर मारोगे, एंटर जितनी बार करते जाओगे तो ये कवर अप कर लेता है यस और नो में। अगर आपने इसमें एंट्री कर दी तो ये आगे जाकर के यस और नो में इसको ले लेगा। फर्नीचर हो गया एक्स लिमिटेड, आफ्टर देन ये आपसे अकाउंट में पूछ रहा है क्या? अब आप ये अकाउंट पूछ रहा है, अकाउंट के थ्रू इसको डील करेंगे तो इसलिए हम एडवांस में नहीं दे रहे हैं, अकाउंट के थ्रू डील कर रहे हैं। एंटर करते हुए ले आए और जैसे नरेशन लिखा जाता है उसी तरीके से ये भी नरेशन आपसे पूछेगा। तो नरेशन जैसे नॉर्मल तुम लिखते थे बीइंग, चाहे बीइंग से लिख लो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ज्यादा समय ना लगे तो मैं सब नहीं लिख रहा हूं, इसी तरीके से आप बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम डैश डैश करके एंटर कर दोगे, आपका नरेशन हो गया। एक्सेप्ट आ जाओगे, एक्सेप्ट पे यस कर दोगे, इसका मतलब ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये आपने एक ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट कर लिया, इससे बाहर निकलना है, एस्केप से आप बाहर निकल आएंगे। अब आपको दिखाते हैं कि अगर जैसे ही आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो, एसेट परचेज करते हो, तो आपकी बैलेंस शीट में आता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट को भी एक बार देख लें कि आपने परचेज किया है तो क्या इस तरीके का आएगा। तो बैलेंस शीट पर आकर के अगर आप क्लिक करें, ये देखिए ना बैलेंस शीट पे क्लिक किया तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों में देखो तुमको 10,000 दिख रहा है, और बैलेंस शीट टैली है कि नहीं है? है सर, है। तो यही सारी चीजें हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से होती हैं, और मैंने पूरी कोशिश ये करी है कि एक ट्रांजैक्शन फर्नीचर परचेज फ्रॉम एक्स को कैसे टैली में किया जाए आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज समझ में आई होगी। ऐसे ही हम लोग परचेज के ट्रांजेक्शन कर लेंगे।